निगम की तरफ से अलाव का कितना व्यवस्था किया गया आपके वार्ड में, ये बताइए। हमारे वार्ड में अभी तक अलाव का जो व्यवस्था है, अभी नगर निगम के तहत अभी कहीं भी हमारे वार्ड में इसका व्यवस्था नहीं हो पाया है। मुख्य रूप से चौक जो है धरहरा पुल पे, उसके पर्पस में मैंने कहा था मेयर साहब से, उन्होंने कहा है कि एक दो दिन में वहाँ पे अलाव का व्यवस्था कर दिया जाएगा। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, अब तक इतना कटकटी ठंड हो रहा है, अब एक दो दिन में, अभी भी एक दो दिन कहा जा रहा है, तो मतलब कि क्या गर्मी में अलाव की व्यवस्था किया जाएगा? नहीं, करना तो अभी हाल फिलहाल में अति आवश्यक था, क्योंकि अभी ठंड को देखते हुए इस तरह की कड़ाके की जो ठंड है, अभी नहीं होगा तो फरवरी में करके कोई फायदा नहीं है। आपके पूरे बिहार में नल जल योजना चल रहा है, हर वार्ड में नल जल योजना तहत पाइप बिछाया जा रहा है, पाइप बिछाने के बाद गली काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है। जी बिल्कुल, उससे तो बहुत सारे परेशानियां हैं कि अभी छोटी छोटी गलियों को यदि बीच से काटा जा रहा है तो वो रोड जो है, जो पहले ढलाई है PCC, वो दोनों तरफ से किसी भी तरफ दोनों बोथ साइड में कहीं से भी नहीं देखा जा रहा है कि वो सुरक्षित है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जैसे ही पाइप डाला गया और घर घर कनेक्शन किया गया, उसको तुरंत बाद ही उसको ढलाई कर देना चाहिए था, लेकिन इस तरह का नहीं हो रहा है। इस वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, नया साल आने वाला है, क्या कुछ खास करने वाले हैं अपने वार्ड के लोगों के लिए? साफ सफाई हो या जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं? साफ सफाई की जहाँ तक बात है, हम लोगों को निगम से व्यापक रूप में सफाई कर्मी मिले हैं, जो मैंने सफाई कर्मी अभी जो हैं अपना सफाई कर रहे हैं, बात वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो नया साल में हमारे वार्ड में विकास राशि बहुत पर्याप्त मात्रा में आ रही हैं, जिसके कारण से विकास सुनिश्चित है। कि किस तरीके का विकास किया जाए? जैसे बहुत सारी नली गली का योजना जो है अभी बन पा रही हैं, कि बड़े बड़े काम हम लोगों के वार्ड में अभी होने वाला है, जैसे अभी धरहरा पुल से लेकर के हम लोगों का बघूतपुर पावर ग्रिड तक मुख्य रोड का अभी ढलाई होना सुनिश्चित हुआ है। आपके युवा पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ के लोगों के साथ आपका कैसा संबंध रहा है अब तक जो पार्षद प्रतिनिधि बनने के बाद? अब लोगों के बीच में किस तरीके से अपने आप को विश्वास में लाएंगे ताकि हम ये क्षेत्र के लिए काम करेंगे, तो क्या क्या उम्मीदें रखते हैं लोग आपसे? आज उम्मीद ही लोगों का देन है कि आज हमें इतनी कम उम्र में हमें मैंने इस मुकाम पे पहुँचाए हैं, और जहाँ तक हमारे पूरा कोशिश रहता है कि हम लोगों के जो विश्वास है उस पे खड़े उतरें, उसके प्रति हमने ऐसा बढ़ चढ़ के काम भी किया है और करते रहेंगे। आपके वार्ड में पहले एक विद्यालय हुआ करता था, यहाँ पर पेड़ के नीचे चलता था। हाँ, भवनहीन विद्यालय था, वहाँ से प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे भवन का कहीं जगह नहीं मिल पाया, जिसके कारण से टीचर लोगों की भी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे अपना जो पुस्तकालय की व्यवस्था का। अभी उस विद्यालय के बच्चे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ बच्चे बेगमपुर जाते हैं, कुछ बच्चे जैसे आंगनबाड़ी वगैरह करके बच्चों तो के साथ समस्याएं हैं। हाँ हाँ, आंगनबाड़ी में हाँ हमेशा हम लोग जाते हैं, एक आंगनबाड़ी हमारे मोहल्ले में है, हर महीने इस चीज़ की हमें सूचना मिलती भी है कि आंगनबाड़ी में आइए देखिए, तो हम अपने हमारे वार्ड में 4 केंद्र हैं, हम चारों आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाते हैं नियमित रूप से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 33।